हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसएस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड्स, नीट यूजी का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है काउंसलिंग के लिए। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डीम यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के बारे में। जो भी बच्चे अभी नीट में क्वालिफाइड हो चुके हैं और फर्दर आगे काउंसलिंग एक्टिविटीज़ के लिए देख रहे हैं, और जिन्होंने डिसाइड किया है कि डीम यूनिवर्सिटी में वो सीटें उठाएंगे, तो जो डीम यूनिवर्सिटी के जो इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं जो काउंसलिंग में आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, उसको आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और जो कन्फ्यूज़न है लोगों का डीम यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में कौन सा कॉलेज कितने स्कोर पे मिलेगा, ट्यूशन फीस एसेट्रा, उन सब चीज़ों को भी आज हम कवर करेंगे। तो ये सारी डिटेल्स के लिए, काउंसलिंग के लिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें वेबसाइट edusses.com पे विजिट करके इंडिया की सारी काउंसलिंग की डिटेल्स फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो और काउंसलिंग की अच्छी डिटेल्स को प्रिपरेशन कर सकते हो फ्रेंड। तो हम जल्दी से मूव करते हैं, कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, MBBS को सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे इंडिया में आप देखें जितनी भी काउंसलिंग होती है सबका कट ऑफ यहाँ पे मेंशन है। सारे ऑल इंडिया सारे स्टेट्स की जो काउंसलिंग है, और IPO की, ESIC की, AIIMS की, ऑल इंडिया कोटा की और डीम की। तो आज का हमारा टॉपिक है डीम्ड। तो इसमें आपके जो पिछले 4-5 साल के जो कट ऑफ है वो सारे मेंशन है यहाँ पे। तो जो लास्ट ईयर के स्टैट्स हैं, लास्ट ईयर के स्टैट्स से इस बार की काउंसलिंग को समझने की कोशिश करेंगे। इस साल के रिजल्ट को हमने देखा है कि रिजल्ट्स में काफ़ी चेंजेस आए हैं, लेकिन अगर आप इस काउंसलिंग को अभी स्कोर के हिसाब से ना समझ के ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से समझोगे, बिकॉज ऑल इंडिया रैंक सभी बच्चों की उनके पास अभी आ चुकी है, आपके स्कोर कार्ड में मेंशन है, तो इट विल बी वेरी इजी कि आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो पहले शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं जो बेसिक पॉइंट है। जो बच्चे डीम्ड की काउंसलिंग करने के प्लान कर रहे हैं, आप लोग की जो काउंसलिंग एक्टिविटी होगी वो MCC कंडक्ट करेगा। MCC की ऑफिशियल वेबसाइट MCC.NIC.IN के ऊपर जाके आपकी काउंसलिंग यहाँ पे होगी फ्रेंड्स। और यहाँ पे जाके आपको 2,05,000 का पेमेंट करना रहता है। 5,000 आपकी काउंसलिंग फीस होती है और 2,00,000 रुपीज़ आपको कॉशन अमाउंट डिपॉजिट होता है। 2,00,000 रुपीज़ जो आप पेमेंट करते हो, सीट ना मिलने की दशा में आपको पैसे वापस कर जाते हैं। सीट मिल गई, आपने ज्वाइन कर लिया, तो भी आपको पेमेंट वापस हो जाता है। इनकेस आप सीट को ब्लॉक करते हो, सीट को वेस्ट करते हो, यानी कि सीट आपको अलॉट हुई फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड से आप सीट को ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तब वो पैसा आपको पेनल्टी के रूप में लग जाता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद, पेमेंट करने के बाद, फिर आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है वो होती है चॉइस फिलिंग। तो आप हर बच्चे अपने स्कोर के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से चॉइस फिलिंग करेगा। टोटल 51 कॉलेजेस आते हैं डीम के अंदर, अगर हम देखते हैं इंडिया में, तो 51 कॉलेजेस की यहाँ पे काउंसलिंग होगी। और जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं इसके अंदर अगर हम कैटेगरीज बात कर लेते हैं, तो जो भी नॉर्मल सीट होती हो, ओपन सीट होती हो, उसको MNG यानी कि मैम इन कोटा बोलते हैं। हर कॉलेज में 85% सीटें मैम इन कोटा की होती है और 15% सीटें NRI कोटा की होती हैं। हर कॉलेज, जितने भी डीम कॉलेज हैं आप में, सभी में 15% सीटें NRI कोटा के मिलेगी। अगर आपके पास NRI स्पॉन्सर है या आप खुद NRI हो, तो आप हर कॉलेज के अंदर NRI कोटा से भी काउंसलिंग कर सकते हो। NRI कोटा में काउंसलिंग करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप NRI कोटा की चॉइस फिलिंग कर सकते हो, आप NRI और मैनेजमेंट दोनों की चॉइस फिलिंग एक साथ कर सकते हो। इसके अलावा इसमें अगर हम देखा जाए तो जैन माइनॉरिटी की सीटें भी हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी की भी सीटें हैं, और कुछ कॉलेज में आपके PWD फिजिकली हैंडीकैप वाली भी सीटें हैं। जैन माइनॉरिटी का जो कॉलेज है वो आपका सुमनदीप विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज पड़ता है, जो कि गुजरात वडोदरा के अंदर है। और उसके अलावा मुस्लिम माइनॉरिटी में 2 मेडिकल कॉलेज आते हैं, एक हमदर्द मेडिकल कॉलेज दिल्ली वाला और एक येना बोया मेडिकल कॉलेज मैंगलोर कर्नाटका वाला। ये आपकी पूरी बेसिक डिटेल्स है। अब हम जल्दी से मूव कर लेते हैं मेन चीज़ अपने कॉलेजेस की तरफ। तो नो डाउट हर साल की तरह KMC मणिपाल का सुब्बा मेडिकल कॉलेज, जो कि मणिपाल, जो कि एक्चुअली इंडिया का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, 1953 में खुला था, इसके कट ऑफ को देख लेते हैं। तो आप रैंक वाइज समझिए, देखिए लास्ट ईयर के स्टैट से देखते हैं तो आप एक चीज़ आपके सामने है, बेसिकली आपको हर कॉलेज में दिखाई देगी कि राउंड का इंपॉर्टेंस क्या होता है। आप जिस राउंड में अप्लाई कर रहे हो, राउंड्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट राउंड इन योर काउंसलिंग। फर्स्ट राउंड में जो सीट KMC मणिपाल को मिली वो 51,200 रैंक पे मिली। सेकंड राउंड में थोड़ा सा कंप्रेस हो गया कट ऑफ, 46,000 पे सीट मिली। थर्ड राउंड में 26,000 पे सीट मिली और स्टे राउंड में 24,000 पे सीट मिली। स्पेशल स्टे पे कोई भी सीट नहीं मिली। सो जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हो काउंसलिंग अच्छे मेडिकल कॉलेज में, उतना आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते जाते हैं तो सीट जो है फिनिश होने लगती है, सीट कम हो जाती है कॉलेजेस के अंदर, तो आपके जो कट ऑफ है वो और टाइट होने लगते हैं। सो इफ़ यू आर अपलाइंग फॉर एनी गुड मेडिकल कॉलेज, तो एज अर्ली यू स्टार्ट, पहले ही राउंड से आपको उसमें सीट लेने की कोशिश करनी चाहिए। लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार, लास्ट ईयर 7,18,000 की फीस थी, 1,780 की फीस थी, इस बार टोटल 8,00,000 रुपीज़ का इंक्रीमेंट आया है KMC के अंदर, दोनों कैंपस के अंदर, मणिपाल एंड मैंगलोर दोनों के अंदर। तो मणिपाल के अंदर अगर हम सीट देख रहे हैं तो हमारे स्कोर मिनिमम 51,000 तक रैंक आ रही है, तो मणिपाल कैंपस मिलने की चांसेस हैं। यहीं पे इसमें जो बच्चे NRI से काउंसलिंग करेंगे तो NRI से लगभग इसमें
5,50,000 रैंक तक भी सीट मिलने की चांसेस बनेगी। उसके बाद नंबर सेकंड की पोजीशन लगता है हमदर्द मेडिकल कॉलेज, ये हमने रैंक के अकॉर्डिंग बना रखी है पीडीएफ फाइल को। तो हमदर्द मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली वाला है, इसमें जो लास्ट ईयर जो सीट मिली थी ओपन कैटेगरी वाले बच्चों को वो 56,000 तक सीट मिली थी, तो इस साल भी लगभग इन बच्चों का रैंक 55,000-56,000 तक आ रहा है, तो काफ़ी डिसेंट चांसेस हैं कि आपको हमदर्द के अंदर सीट मिल सकती है। हमदर्द की फ़ीस 16 लाख रुपये पर ईयर की और 4.5 साल की फ़ीस में जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एनआरआई कोटा है, एनआरआई कोटा पे काफ़ी नीचे लगभग 9-10 लाख रैंक तक भी सीटें मिल जाएंगी। एनआरआई कोटा में 45,000 USD पर एनएम की फ़ीस है और इसको 4.5 साल तक दिया जाता है। इसमें मुस्लिम माइनॉरिटी के कोटा पे अगर आपकी रैंक आ रही है 1,20,000 तक या 1,25,000 तक, तो आपको मुस्लिम माइनॉरिटी से आपको इसमें सीटें मिल जाएंगी। उसके बाद सिम्बायसिस मेडिकल कॉलेज पूना, जो कि वुमेंस मेडिकल कॉलेज है, केवल बच्चियों गर्ल्स का मेडिकल कॉलेज है, 2020 में खुला था, काफ़ी अच्छा पॉपुलर मेडिकल कॉलेज है, काफ़ी साउंड ब्रांड है। इसमें अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट राउंड में 64,000 पे सीट मिली, सेकंड राउंड में 41,000 पे सीट मिली, थर्ड राउंड पे 24,000 पे सीट मिली, उसके बाद सीट वेकेंट हो गई। तो जिस बच्चे ने जितनी जल्दी अप्लाई किया उसके लिए बेटर है। तो अगर सिम्बायसिस के लिए भी अगर इफ़ यू आर हैविंग अ रैंक ऑफ अप टू 64,000 से 65,000 तक, तो यू हैव अ वेरी डिसेंट चांस टू गेट अ सीट इन दिस मेडिकल कॉलेज। और एनआरआई कोटा से इसमें काफ़ी नीचे लगभग 7 लाख रैंक तक सीट मिल जाएगी। नॉर्मल एसएस की फीस 10 लाख है, इसके ऊपर 10% का एनुअल इंक्रीमेंट है और एनआरआई कोटा पे 40,000 USD पर एनएम की फीस है। और इसका जो पैकेज बैठता है सबसे लोवेस्ट बैठता है पूरे इंडिया में, नियर अबाउट 64 लाख रुपीज़ में पूरा MBBS हो जाता है, लेकिन इसके अंदर बॉयज़ कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नंबर फोर्थ पर अगर हम देखते हैं तो KMC का जो सेकंड कैंपस है वो मैंगलोर वाला कैंपस आ जाता है। इसमें जो रैंक कॉलेज अलॉट होने की चांसेस है नियर अबाउट 70,000 से 72,000 रैंक तक जिन बच्चों का स्कोर आया है, यहाँ पर आपको सीट अलॉटमेंट हो सकती है। इसका भी पैकेज नियर अबाउट 85 लाख रुपीज़ के आसपास जाएगा मैंगलोर का, और NRI कोटा से लगभग 6 लाख रैंक तक सीट आपको इसमें मिल जाएगी। तो रैंक से आप अपना चेक करें, स्कोर से मत चेक करें, इजी हो जाएगा। 72,000 रैंक तक आपको मैंगलोर कैंपस KMC का मिलने की चांसेस है। उसके बाद जो KMC का जो थर्ड कॉलेज आया है मणिपाल कॉलेज, जिसको हम टाटा मेडिकल कॉलेज भी बोलते हैं, जो कि जमशेद नगर के अंदर है आपका झारखंड के अंदर, 2020 में ये कॉलेज खुला था। इसके अंदर लगभग आपको 1 लाख रैंक तक सीट मिलने की चांसेस हैं, और इसकी जो ट्यूशन फीस आपकी है वो 16,19,000 लास्ट ईयर थी, इस बार ये बढ़ के लगभग 17,20,000 तक ये फीस हो जाएगी। और भी काफ़ी मेडिकल कॉलेज हैं स्पेशली कर्नाटका के जो डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें आपको इस साल लगभग 2-3 लाख रुपए का एनुअल इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। काफ़ी कॉलेज ने अपनी फ़ीस को इंक्रीज़ करने के लिए आगे एप्लीकेशन डाल के रखे हैं, इसमें काफ़ी कॉलेज के अंदर आपकी सीट बढ़ जाएंगी। इवन उत्तर प्रदेश के अंदर भी 15% सीटों का इंक्रीमेंट, 15% फीस का इंक्रीमेंट हो सकता है, जो टोटल फीस है उसमें 15% का इंक्रीमेंट हो सकता है। नंबर सिक्स पे हम देखते हैं तो पिम्स लोनी, रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी, 1984 का कॉलेज है, 40 साल का एक्सपीरियंस है इस कॉलेज के पास, बहुत अच्छा कॉलेज है महाराष्ट्र का। 17,50,000 की फीस है, 10% का एनुअल इंक्रीमेंट है, नियर अबाउट 1 करोड़ का पैकेज बैठता है इसका। इस कॉलेज के अंदर नियर अबाउट 1,50,000 रैंक तक जिन बच्चों का आ रहा है, यहाँ पे ये कॉलेज मिलने की काफ़ी अच्छी चांसेस है। NRI कोटा पे जस्ट क्वालिफाइड पे भी इस कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन उसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा है, $1,00,000 पर एनम की फ़ीस है, $1,06,000 पर एनम। लेकिन इस कॉलेज में अच्छी बात यह है कि जो बच्चे NRI से अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप कॉलेज से पहले बात कर लेते हो, अगर आपको बस मीडियम से नहीं, तो आप एडीयूसी से सपोर्ट कर लेते हो, तो इसमें आपको कॉलेज NRI कोटा के अंदर अच्छा खासा रिबेट दे देता है। जो आपकी पूरी फीस है ये आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, $4,500 पेमेंट नहीं करना पड़ता है, यू कैन गेट अ वेरी हैवी डिस्काउंट ओवर ईयर, एटलीस्ट आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। नंबर सेवन पे GSS मैसूर, ये भी लगभग 40 साल पुराना कॉलेज है कर्नाटका मैसूर का, काफ़ी पॉपुलर मेडिकल कॉलेज है, इंडिया में मोस्ट ज़्यादा बेडेड मेडिकल कॉलेज के आता है। इसमें नियर अबाउट 1,70,000 रैंक तक सीट मिलने की चांसेस रहेंगी, जैसे जैसे राउंड्स बढ़ेंगे मैसूर का भी कट ऑफ आगे बढ़ेगा। लास्ट ईयर 26,000 इसका लोवेस्ट था और 174 इसका हाईएस्ट था, 170 तक इस बार सेफ रहेगा मैसूर में। मैसूर की फीस 19,86,000 की, पेबल फॉर 4.5 ईयर्स। इसके बाद मैसूर में ही NRI कोटा से जो बच्चे अप्लाई करेंगे 46,000 USD की ट्यूशन फीस है इसके अंदर, और इसमें जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को मिल जाएगी सीधे। इवन मैसूर में भी कुछ बच्चों को डिस्काउंट मिलता है इन्हें NRI फीसेस। नेक्स्ट कॉलेज आता है KLE बेलगावी, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगावी, ये भी इंडिया का काफ़ी पॉपुलर और पुराना कॉलेज है 1963 का, वेरी गुड इंफ्रा, वेरी गुड फैकल्टी, वेरी गुड एकेडमिक्स, एवरीथिंग इज ऑसम ओवर हियर, एक तरह का ये रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है। यहाँ पे नियर अबाउट 1,80,000 रैंक तक सीटें मिलने के चांसेस रहेंगी, 18,30,000 इसकी एनुअल ट्यूशन फीस है, पेबल फॉर 4.5 ईयर। और इसमें भी NRI कोटा से 45,500 USD पर एनम की NRI कोटा से फीस है, इसके अंदर भी बच्चों को NRI कोटा से सीट उठा सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट ईयर ही कॉलेज आया था 9th नंबर पे, वो उसकी पोजीशन लगी थी आउट ऑफ 51, काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्म किया था, अपने पुराने कॉलेज से अच्छा परफॉर्म किया था, अमृता मेडिकल कॉलेज का जो फरीदाबाद कैंपस आया था,
लास्ट ईयर इसकी फीस थी 19 लाख रुपए, लेकिन इस बार इसने अपनी फीस सीधा 6 लाख रुपए बढ़ा दी है, 25 लाख रुपए की फीस कर ली है। तो लास्ट ईयर ये 2 लाख रैंक तक मिला था, लेकिन इस बार 25 लाख की फीस होने की वजह से लगभग ये कॉलेज 3 लाख की रैंक को भी टच कर सकता है फ्रेंड। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो और इसके अंदर भी आपकी जो फीस है 45,000 से 50,000 हो गई है NRI में। इसमें जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को आसानी से सीट मिल जाएगी। अमृता कोची वाला जो कैंपस की बात करते हैं तो इसकी भी फीस 25 लाख हो गई है इस बार, और लास्ट ईयर इसमें 2,10,000 तक सीट मिली थी कोचिंग में, इस बार नियर अबाउट 2,70,000-80,000 तक मिल जाएगी सीट बिकॉज ऑफ द फीस इंक्रीमेंट फ्रेंड्स। नेक्स्ट कॉलेज जो हुबली का जो मेडिकल कॉलेज रहता है JSS वाला, उसमें अगर हम देखते हैं तो आपको जो लास्ट ईयर जो मैक्सिमम सीट मिली थी 2,49,000 तक मिली थी, लगभग 2.5 लाख रैंक तक, इस बार भी लगभग 240 रैंक तक आपको 2,40,000 रैंक तक आपको सीट इसके अंदर मिल जाएगी। इसकी एनुअल ट्यूशन फीस जो आती है हुबली की वो आती है 16,40,000। नेक्स्ट कॉलेज आता है मैंगलोर का काफ़ी पॉपुलर मेडिकल कॉलेज जो कि KS हेगड़े मेडिकल कॉलेज मैंगलोर कर्नाटका। ये भी कॉलेज लगभग आपका नियर अबाउट देखते हैं 26 ईयर का एक्सपीरियंस रखता है, वेरी पॉपुलर कॉलेज। इसमें नियर अबाउट 2,25,000 रैंक तक सीट मिलने की चांसेस है, 17.5 लाख की एनुअल ट्यूशन फीस है, पेबल फॉर 4.5 ईयर। नेक्स्ट कॉलेज आता है आपका MGM मुंबई मेडिकल कॉलेज जो कि महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, 1990 का कॉलेज है, 35 ईयर का एक्सपीरियंस है इसके अंदर। इसमें नियर अबाउट 2.5 लाख रैंक तक सीट मिलने के चांसेस है, 21 लाख रुपीज की फीस है, पेबल फॉर 4.5 ईयर। नेक्स्ट कॉलेज इज MGM औरंगाबाद, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद। इसकी भी फीस 21 लाख की है और इसमें भी नियर अबाउट 2,50,000 सीट रैंक तक आपको सीट मिलने की चांसेस है। देन श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज चेन्नई, इसकी फीस 25 लाख रुपीज़ की है, 5 साल की फीस चार्ज करता है, 1,25,00,000 की फीस रहती है, हॉस्टल अलग से 135 के आसपास पैकेज बैठता है। ये भी 1985 का कॉलेज है, नियर अबाउट 41 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस कॉलेज के पास, और इसमें नियर अबाउट 2,70,000 रैंक तक सीट मिल सकती है अगर बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो। नेक्स्ट कम जो कलिंगा मेडिकल कॉलेज विच इज़ इन भुवनेश्वर उड़ीसा, ये भी कॉलेज काफ़ी पुराना और पॉपुलर मेडिकल कॉलेज है। इसकी एनुअल ट्यूशन फीस है 18,50,000 और इसमें लगभग आपको 2,70,000 रैंक तक ऑल इंडिया रैंक तक सीट मिलने की चांसेस है। देन कम्स SDU मेडिकल कॉलेज कोलार। कोलार जो जगह है बेंगलोर के आउटर एरिया में पड़ती है, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है बेंगलोर के। ये भी कॉलेज लगभग आपका 38 ईयर पुराना कॉलेज है, इसमें लगभग 3 लाख रैंक तक सीट मिलने की चांसेस है, 17,60,000 की इसकी फीस है, पैकेज भी इसका बहुत ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट कम यो IMS सम जो कि आपका उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर पड़ता है, इसकी फीस है 19,60,000 और इसमें भी लगभग 3 लाख रैंक तक सीट मिलने की चांसेस है। देन कम्स आवर MGM मेडिकल कॉलेज वाशी, ये लास्ट ईयर ही ये कॉलेज आया था, लेकिन लास्ट ईयर भी इस कॉलेज ने लगभग 3 लाख रैंक तक फर्स्ट राउंड में सीट दे दी थी, इस बार भी 3 लाख रैंक तक या 2,90,000 रैंक तक सीट इसमें मिल जाएंगे, 21 लाख रुपीज़ की फीस है। देन कम्स आवर भारतीय विद्यापीठ पूना, दिस इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया। तो पूना वाला कैंपस जो भारती का है इसमें लगभग 3.25 लाख रैंक तक सीट मिलेगी और इसकी जो एनुअल ट्यूशन फीस है वो 22,40,000 की है और एनुअल इंक्रीमेंट यहाँ पे 5% देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कम्स अरसुमनदीप विद्या मेडिकल कॉलेज, विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज जो कि आपका जैन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है। इसकी फीस 18,75,000 की है और इसके अंदर ओपन वाले बच्चों को लगभग 3.5 लाख, NRI वाले बच्चों को लगभग 1 लाख और जैन माइनॉरिटी वालों को बच्चों को लगभग 8 लाख रैंक तक सीट मिलने की चांसेस रहेंगे। देन कम्स आवर BLD मेडिकल कॉलेज बीजापुर। BLD में बीजापुर को BM पाटिल के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी पॉपुलर मेडिकल कॉलेज है, 1986 का 38 ईयर पुराना कॉलेज है। मात्र 18 लाख रुपये की ट्यूशन फीस है इसकी, 4.5 साल की फीस चार्ज करता है, लगभग 3.5 लाख रैंक तक ये कॉलेज मिलने की चांसेस रहेंगे। देन कम्स आवर मौलाना मेडिकल कॉलेज, तो जो MMU मौलाना मेडिकल कॉलेज जो कि अंबाला के अंदर पड़ता है, महर्षि की मंगेशकर मेडिकल कॉलेज, ये भी काफ़ी अच्छा पॉपुलर ब्रांड है। इसमें लगभग 3.5 लाख रैंक तक या 3,70,000 रैंक तक सीटें मिल सकती हैं, 17 लाख की एनुअल ट्यूशन फीस है, 10% के एनुअल इंक्रीमेंट है। उसके बाद डीवाई पाटिल के जो 3 कैंपस है कोल्हापुर पुणे और मुंबई, तो उसमें जो कोल्हापुर वाला कैंपस है इसका कट ऑफ थोड़ा हाई चलता है बिकॉज इसकी फीस कम है, 20,60,000 की फीस है, कोई एनुअल इंक्रीमेंट नहीं है और उसमें लगभग 3,50,000 रैंक तक आपको सीट मिल सकती है। इन्हीं सारे कॉलेज में NRI कोटा की सीटें काफ़ी सस्ती मिल सकती है। देन कम्स अवर येनापोया मेडिकल कॉलेज मैंगलोर कर्नाटका, इस ये 1999 का कॉलेज है, 22 लाख रुपये की फीस है और ये कॉलेज आपको लगभग 4 लाख रैंक तक आसानी से मिल जाएगा। NRI कैटेगरी में जस्ट क्वालिफाइड को सीट मिल जाएगी, 41,000 की फीस है, ये NRI की NRI कैटेगरी से। मुस्लिम माइनॉरिटी की बात कर लें तो मुस्लिम माइनॉरिटी में ये कॉलेज जो लास्ट ईयर 6 लाख रैंक के ऊपर गया था, 6 लाख रैंक तक है, तो अच्छी चांसेस हैं कि आपको ये NRI मेडिकल कॉलेज मिल सकता है।
देन कम्स आवर लाइक सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज जो कि तुमकुर के अंदर है। इसमें भी अगर हम देखते हैं तो सिद्धार्था के अंदर लगभग 4.25 लाख रैंक तक सीट मिल सकती है। आपकी 18,96,000 की इसकी ट्यूशन फीस है और NRI में जस्ट क्वालिफाई पे सीट आसानी से मिल जाएगी। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कराड महाराष्ट्र का काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है, 40 साल पुराना कॉलेज है। इंडिया में सर्जरी के लिए ये कॉलेज काफ़ी ऊपर जाना जाता है। OPD इंफ्राइज आउटस्टैंडिंग हुआ है और इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें 4.5 लाख रैंक तक से लेकर 5 लाख रैंक तक वाले बच्चों को एडमिशन मिल सकता है। कॉलेज इज टू गुड, 23 लाख रुपीज़ की एनुअल ट्यूशन फीस है फॉलोड बाय 7% का एनुअल इंक्रीमेंट। महाराष्ट्र में कॉस्ट ऑफ एजुकेशन थोड़ी सी हाई है। देन कम्स आवर राजा राजश्री मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, ये कॉलेज 2005 का पड़ता है और इसमें जो ट्यूशन फीस है वो 23,85,000 की है, लगभग 1.25 करोड़ से ऊपर का पैकेज जाता है। और ये कॉलेज नियर अबाउट 5 लाख रैंक तक आसानी से मिल जाएगा राजा राजश्री, और ऊपर जा सकता है लेकिन इससे नीचे नहीं जाएगा। देन कम्स आवर भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज सांगली, ये भी कॉलेज पुराना मेडिकल कॉलेज है और सांगली में भी 35 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी अभी जो इस कॉलेज में जो लास्ट एडमिशन हो सकता है वो लगभग 5 लाख रैंक तक हो सकता है और इसकी फीस है एनुअल ट्यूशन फीस 21,02,000 की इसकी एनुअल ट्यूशन फीस है राजा राजश्री की। देन कम्स आवर भारतीय विद्यापीठ पूना, भारतीय विद्यापीठ पूना की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय विद्यापीठ पूना की जो एनुअल ट्यूशन फीस है वो 21 लाख की है और इसमें लगभग 5 लाख रैंक तक सीट मिल जाएगी। भारतीय विद्यापीठ पूना का कैंपस पैकेज 130 के आसपास पड़ता है। देन कम्स अवर DY पटेल मेडिकल कॉलेज पूना, इसकी फीस काफ़ी ज़्यादा है, 26,50,000 की फीस है, 7% का एनुअल इंक्रीमेंट भी है, 4.5 साल की फीस चार्ज करता है ये, इनफैक्ट 5 साल की फीस चार्ज करता है DY पटेल पूना, इसकी वजह से इसमें 6 लाख रैंक तक सीटें मिल जाती हैं। NRI में जस्ट क्वालिफाइड वालों को आसानी से सीट मिल जाएगी। उसके बाद DY पटेल मेडिकल कॉलेज मुंबई की बात कर लेते हैं तो मुंबई में लगभग 1,20,000 रैंक तक इसमें सीटें मिलने की चांसेस रहेंगी आपकी मुंबई के अंदर DY पटेल में। DY पाटिल की बात करते हैं मुंबई में तो DY पाटिल मुंबई की फीस 27 लाख की है, 4.5 साल की फीस लेता है और इसमें लगभग आपको नियर अबाउट 6 लाख रैंक तक सीट आसानी से मिल जाएंगी। उसके बाद JLN जवाहरलाल नेहरू यानी कि दत्ता मेघे के दो कैंपस हैं महाराष्ट्र के अंदर, एक वर्धा के अंदर, नागपुर के अंदर। वर्धा वाला कैंपस काफ़ी पुराना है और 1990 का पड़ता है और जो नागपुर वाला जो कॉलेज पड़ता है वंदोगिरी का 2020 का कॉलेज पड़ता है। दोनों कॉलेज के बीच में 30 ईयर्स के डिफरेंस का फ़र्क है, इस हिसाब से अपने कॉलेज को फिल्टर करें। JLN दत्ता वर्धा के अंदर जो कट ऑफ जा सकता है वो लगभग 6 लाख तक जा सकता है, फीस इसकी है 20,25,000 और नागपुर का जो कट ऑफ है वो लगभग आपका जा सकता है 6 लाख तक, इसकी भी फीस है 20,25,000। फिर सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज टी बैगुर में जो कट ऑफ जा सकता है 6 लाख रैंक तक जा सकता है, फीस इसकी 18,96,000 और टी बैगुर मेडिकल कॉलेज NRI कैटेगरी से जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को मिल जाएगा। फिर सविता मेडिकल कॉलेज चेन्नई, ये भी काफ़ी पॉपुलर मेडिकल कॉलेज है, लो स्कोर वाले बच्चों के लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा, 6 लाख रैंक तक ये कॉलेज मिल सकता है, 25,25,000 की फीस है और 5 साल तक यहाँ पे पेमेंट देना पड़ता है। उसके बाद SRM चेन्नई, इसकी भी फीस 25 लाख की है, 5.5 साल का पेमेंट जाता है, ये कॉलेज आपको 8 लाख रैंक तक मिल सकता है SRM चेन्नई। श्री संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद, संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद की फीस है 24 लाख रुपये पर ईयर और इसमें 8.5 लाख रैंक तक सीट मिल सकती है। दिल्ली NCR के काफ़ी बच्चे यहाँ पे जाना प्रेफरेंस करते हैं। अगर आप SSC की हेल्प लेते हो तो आपको इस कॉलेज में काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा ट्यूशन फीस के अंदर फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। फिर उसके बाद जो 28 नंबर पे आता है ललितांबी मेडिकल कॉलेज, 2021 में खुला था, ललितांबी में जो एडमिशन हो सकता है उसमें लगभग आपकी जो रैंक है वो 2,80,000 तक होनी चाहिए। उसके बाद महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी में भी फीस 22 लाख रुपए की है, 10 लाख रैंक तक लास्ट ईयर ये कॉलेज गया था, 11 लाख तक गया था। इसके बाद जो भी कॉलेज आपके आते हैं विनायका मिशन कराईकल, चीतानैन, श्री सत्य साई बालाजी, लक्ष्मी नारायण मेडिकल कॉलेज, बिल्स मेडिकल कॉलेज, भारत मेडिकल कॉलेज, गीतम, अदुपाधाय, ACS मेडिकल कॉलेज, ये बहुत अच्छा कॉलेज है ACS। इंफ्रा काफ़ी अच्छा है, प्रॉपर चेन्नई टाउन के अंदर है, आउटस्कर्ट में नहीं, सिटी के अंदर है, सारी फैसिलिटीज़ है, फैकल्टी औसम है, बहुत अच्छा रिव्यू है ACS मेडिकल कॉलेज का। लास्ट में आता है मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज, जिसने लास्ट ईयर बिल्कुल लास्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था, पहले पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो लास्ट के जो कुछ कॉलेजेस है ACS हो गया, लक्ष्मी नारायण हो गया, सत्य साई हो गया, भारत हो गया, इन सब कॉलेज में कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल सकता है। सेकंड राउंड के बाद डिस्काउंट मिलना बहुत मुश्किल है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बच्चा लाइन में लगा रहेगा, फर्स्ट राउंड में जब सीटें खाली रहेंगे तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो ये सब कुछ कॉलेजेस थे, उनकी ट्यूशन फीस थी। इस बार होपफुली काफ़ी मेडिकल कॉलेज की ट्यूशन फीस चेंज हो जाएगी, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो वेबसाइट के ऊपर इनकी फीसेस आती रहेंगी, SSC के भी हमारे चैनल पर आपको फीसेस देखने को मिल जाएंगी। तो आपकी जो रैंक है अपने रैंक के हिसाब से आप कॉलेज को फिल्टर करें। इफ़ समबडी इज़ हैविंग अ रैंक ऑफ लाइक 1,10,000 तो आप मणिपाल के लिए सोच रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। आपको ऐसा देखना कि 1,10,000 का जो बेस्ट कॉलेज मिल सकता है वो हमारी चॉइस फिलिंग के अंदर जाए। जो नियम है MCC डीम के वो ये है कि पहले राउंड के बाद सीट मिल जाती है तो आप उसको छोड़ भी सकते हो फ्री एग्जिट के अंदर,
आप उसको लेके अपग्रेड भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। या अगर ना ज्वाइन करना चाहो तो ना ज्वाइन करो, कुछ भी मत करो, ये सारे ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो ये थी डीम यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के बारे में कुछ बेसिक डिटेल। होपफुली दिस इन्फॉर्मेशन विल वर्क यू आउट द काउंसलिंग एक्टिविटीज़। बाकी काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन के लिए किस स्टेट का क्या कट ऑफ है, किस स्टेट में कितने कॉलेजेस हैं, उनकी क्या ट्यूशन फीस है, कितने नंबर पे मिलेंगी, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट edusis.com पे विजिट कर सकते हो। और यहाँ पे इंडिया के सारे स्टेट्स के कट ऑफ और सारी डिटेल्स, कॉलेज का नाम, ये सब देखने के बाद अपनी काउंसलिंग प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई इशू है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो आप हमारी टीम edusis से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वी आर हेयर टू हेल्प यू। और पिछले 19 सालों से हम स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हैं, जिससे जो भी बच्चों को समझ में नहीं आया कि हम अपनी काउंसलिंग के लिए कैसे अप्रोच करें, सो वी कैन हेल्प यू आउट फॉर द काउंसलिंग एक्टिविटी। व्हाट एवर द स्कोर यू हैव अर्न इन द नीट एग्जामिनेशन, उस पर जो बेस्ट अलॉटमेंट आपको मिल सकता हो, उसमें हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे फ्रेंड। दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू नीट काउंसलिंग एक्टिविटी फ्रेंड। थैंक यू सो मच। Thank you.